नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा Redmi के Note 10 Pro Max की, जो दोस्तों मेरे पास है। इसका 6GB और 128GB वाले वेरियंट है। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा Redmi Note 10 Pro Max। आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको इस फ़ोन के सारे फीचर के बारे में बताऊंगा, और साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और दोस्तों इसकी प्राइस क्या है, कैसे आप इसे ले सकते हो, और इस फ़ोन के अंदर दोस्तों हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबको बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करें दोस्तों। जी है, मेरे पास Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स, जिसका मेरे पास 6GB और 128GB वाला वेरियंट है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसका की हाईलाइट की। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। दोस्तों इसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो इसका मेन कैमरा है। और दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 120Hz की रिफ्रेश रेट, जो कि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आती है। 6.67 इंच की इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको कोरियन गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। इसके अंदर दोस्तों आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो जो 5G हो, दोस्तों ये 5G फोन नहीं है, 4G है, बट इसका जो प्रोसेसर है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अंदर दोस्तों मिलती है 5020mAh की बड़ी बैटरी। दोस्तों ये बैटरी के मामले में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और मेरे पास दोस्तों इसका ब्राउन कलर है, जो दोस्तों ब्राउन इस कलर से आता है, जैसे बॉक्स पर लगा हुआ है सेम यही कलर मैंने मंगाया हुआ है। दोस्तों मैं अब इसको ओपन करता हूँ और इसकी प्राइस दोस्तों क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। तो बॉक्स ओपन करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर दोस्तों हमें मिलता है कुछ पेपर बॉक्स हैं इसके अंदर। देखिए जी, सबसे पहले सिम इजेक्टर पिन, और दोस्तों जी है इसका बैक केस जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जी है इसकी कुछ पेपर वर्क, तो इन सबको मैं साइड में रखता हूँ। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर, 33 वॉट चार्जर है दोस्तों, जो कि हमें और भी फोनों में देखने को मिलता है रेडमी के में ही। और जी है इसकी डाटा केबल, जो दोस्तों सी टाइप डाटा केबल है। देखिए ये सी टाइप डाटा केबल है, ये देखो ये सी टाइप दोस्तों डाटा केबल है इसके अंदर। तो इनको ही मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें इसके अंदर जो दोस्तों वो होती है हेडफोन, वो हमें देखने को नहीं मिलते। तो जी सब मैं साइड में रखता हूँ, अब मैं ले चलता हूँ मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों जी है इसका मेन फ़ोन, ये देखिए इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और दोस्तों इसके अंदर हमें 4 कैमरा देखने को मिलते हैं, बाकी दोस्तों 3 कैमरे दोस्तों इसके अंदर जो हैं जी इसकी फ्लैश वगैरह है। और दोस्तों इसके फ्रंट में हमें मिलता है यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि दोस्तों काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। और बैटरी दोस्तों काफ़ी बड़ी है इसकी, 5020mAh की बैटरी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है सी टाइप वाला, और दोस्तों जो इसका स्पीकर है, जो इसका माइक है। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों एक सिम इजेक्टर पिन, यहाँ पर सिम ट्रे दी गई है, जिसमें दोस्तों आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। और दोस्तों जो पावर बटन है इसका, और ये वॉल्यूम के अप डाउन बटन है। ऊपर इसके दोस्तों आपको सेकेंडरी माइक दिया हुआ है, और ये दोस्तों ये दिया हुआ है आपको इसके अंदर जो होता है आईआर ब्लास्टर, जे इसका दोस्तों 3.5mm जैक भी इसका ऊपर दिया हुआ है। दोस्तों ये एक अच्छी बात है, इसके अंदर आपको ये 200 जैक होता है 3.5mm वाला, वो इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप इसमें अपनी हेडफोन यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फोन, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको सेटअप कर दिया था पहले ही, मेरे से दोस्तों सेटिंग के अंदर आपको। तो दोस्तों इसके अंदर हमें मिलता है MIUI 12.5 का, दोस्तों नया वर्जन है, MIUI 12.5 वाला वर्जन मिलता है इसके अंदर हमें। और दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्मूथ देखने को मिलती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। और जो MIUI इसकी दोस्तों वो काफ़ी अच्छी है, कैमरा क्वालिटी दोस्तों इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है 108 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा, और 16 मेगापिक्सल का इसके अंदर दोस्तों फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसकी बैटरी दोस्तों काफ़ी बड़ी है, 5020mAh की। और दोस्तों आप कलर देख सकते हो इसमें, इसके दोस्तों ये बेजल हैं, वो ज़्यादा बड़े नहीं है, देखिए ऊपर से भी बिल्कुल भी चिन छोटी हुई है, और नीचे का दोस्तों थोड़ी चिन है, वो हल्की सी थोड़ी बड़ी है ऊपर के साइड के मुकाबले। बस दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छा है,
अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि इसके अंदर कौन सी प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों इस फ़ोन में हमें फ्रंट और बैक दोनों में कोरिनन गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन दी गई है। दोस्तों इसके साथ दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हमें मिलता है बैक कवर, तो मैं बैक कवर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों बैक कवर लगाने के बाद इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। देखिए आपके आपको दोस्तों फोन कैमरा वो काफ़ी सेफ है, देखिए चारों तरफ से इसने कैमरे को ग्रिप किया हुआ है और ये कलर भी इसका फोन को दिख रहा है इसके अंदर भी कवर लगाने के बाद भी, और आपका फ़ोन पूरी तरीके से सिक्योर है इसके अंदर। दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ इस फ़ोन की प्राइस की, तो इसका 6GB और 128GB वाला वेरियंट दो है दोस्तों, वो मिलेगा आपको 18,999 रुपये का। बट अगर आप इसे अपनी ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो जी आपको इसी प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं ऑनलाइन चेक करना पड़ जाते हैं और ये फ़ोन ऑनलाइन नहीं मिलता, तो ये फ़ोन आपको ऑफलाइन ही मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये फ़ोन 5G नहीं है, ये सिर्फ 4G फ़ोन है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसकी प्राइस है दोस्तों 18,999 रुपये, और अगर आप इसे अपनी मार्केट से खरीदते हो तब भी दोस्तों ये आपको इतने का ही मिल जाएगा। तो अगर आपकी मार्केट में ये फ़ोन आपको मिल रहा है तो आप इसे ले सकते हो ऑनलाइन। दोस्तों आप तभी खरीदें जब आपको ये आपकी मार्केट में नहीं मिल रहा हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।